अक्सर जब भी हम घर में हलवाई जैसे छोले बनाना चाहते हैं तो लोग ये कहते हैं कि बिना लहसुन प्याज के आप हलवाई जैसे छोले घर में नहीं बना सकते। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। आज मैं आपके लिए बहुत ही सरल सी साधारण सी रेसिपी लेकर आई हूँ, बिना लहसुन प्याज के एकदम हलवाई स्टाइल मस्त टेस्टी छोले बनकर तैयार हुए हैं, वो भी कुछ मिनटों में। तो चलिए आज आप मेरे तरीके से बनाना, क्योंकि त्यौहार भी शुरू हो गए हैं और अक्सर त्यौहारों पर हम बिना लहसुन प्याज का खाना बनाना पसंद करते हैं। तो जैसे कि पितृपक्ष चला हुआ है, आगे भी नवरात्रि आने वाले हैं, तो इन दिनों में हम बिना लहसुन प्याज की सब्जी बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले 2 कप कच्चे छोलों को आप रात भर पानी में भिगो दें। उसके बाद ये मैंने भिगो दिए थे, उसके बाद इनको कुकर में डाला, सुबह धोकर नमक डाला है, 2 तेज़पत्ता डाले, 2 बड़ी इलायची और हाई फ्लेम पर ना 5 से 6 सीटी लगा दी और बिल्कुल ऐसे ये उबले हुए छोले हमारे तैयार हो गए हैं। ये लिए मैंने टमाटर, हरी मिर्ची और अदरक, तो बिल्कुल ऐसे रफली चॉप करके आप सारी चीज़ें ले लें। तो 4 बड़े साइज़ के टमाटर है, चूँकि प्याज लहसुन इस्तेमाल नहीं करेंगे इसलिए 4 बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं मैंने। और देखिए फ्रेंड्स, ये है कुछ सूखे मसाले जिसमें है साबुत धनिया, सौंफ, जीरा, दालचीनी, तेज़पत्ता, लौंग के 2 टुकड़े हैं और 2 है बड़ी इलायची और साथ में 10-12 है काली मिर्ची के दाने। इन सारे मसालों को हम धीमी आंच पर भून लेंगे। तो बेसिकली हम बना रहे हैं घर में छोले मसाला, तो आपको इस रेसिपी में ना बाहर का छोले मसाला इस्तेमाल करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कई बार छोले मसाला में भी ना लहसुन पाउडर होता है। तो हम घर में ही बहुत ही बढ़िया फ्रेशली छोले मसाला भी तैयार कर रहे हैं। जब ये अच्छे से भून जाए ना, तब आप इसमें डालें 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी, 1/2 चम्मच के करीब काला नमक और यहाँ पर डाला है मैंने 1/2 चम्मच के करीब सौंठ पाउडर यानी कि ड्राई जिंजर पाउडर। और इन सारे मसालों को भी लास्ट में ना गैस की फ्लेम बंद कर दीजिएगा और बस थोड़ा सा गर्म इन्हें करना है। और 1/2 चम्मच हम इसमें डालेंगे गरम मसाला। तो यहाँ पर ये हमारा होममेड छोले मसाला बनकर तैयार है, जो कि बहुत ही जल्दी बन जाता है और इसी से हमारे छोले बहुत शानदार बनते हैं। मसाला ठंडा करने के बाद इन्हें बिल्कुल फाइन पाउडर ना बनाएं, थोड़ा सा दानेदार इन्हें पीस लीजिएगा। अब 1 टमाटर, साथ में कुछ हरी मिर्ची और थोड़ा सा अदरक और 1/2 कटोरी के करीब उबले हुए छोलों को पीस लीजिएगा मिक्सी के छोटे वाले जार में डालकर। इसी से हमारे छोले बहुत मज़े के बनेंगे। अब कढ़ाई में आप तेल डालें अपनी पसंद के हिसाब से, जैसा भी आप चाहें उस हिसाब से तेल डालिएगा। 1/2 चम्मच डालेंगे अजवाइन, बहुत ही शानदार टेस्ट के लिए हमने अजवाइन यहाँ पर डाली है। प्लस कई बार छोले खाने से ना थोड़ा सा इन्हें पचाने में दिक्कत होती है, जिसकी वजह से हमने यहाँ पर डाला है अजवाइन। थोड़ा सा डालेंगे कसूरी कश्मीरी लाल मिर्ची, इससे कलर बड़ा अच्छा आएगा। और जो टमाटर हमने पीस के रखे थे ना, वह डालेंगे साथ में, जो छोले के साथ 1 टमाटर पीसा था वह भी डालेंगे। तो शुरुआत में मैंने जो आपको टमाटर दिखाए थे, इस रेसिपी में लाल लाल टमाटर लेने हैं, उनका फाइन प्योरे बनाना है, पेस्ट बनाना है। अब यहाँ पर डालेंगे वो जो हमने शुरुआत में गरम मसाला पाउडर घर में तैयार किया था ना, जिसको पीसा था, वह सारा का सारा इसमें डालेंगे। जितना भी मैंने आपको क्वांटिटी बताई है मसाले की, इस रेसिपी के लिए एकदम परफेक्ट है। अब मसाला अच्छे से भूनेंगे, 1 टेबल स्पून के करीब हम इसमें डालेंगे कसूरी मेथी तवे पे भुनी हुई, और धीमी आंच पर हमें यह मसाला एकदम लाल लाल होने तक पकाना है, या फिर उस टाइम तक जब तक इससे तेल अलग ना हो जाए। तो ढक्कन लगाकर इसे पकाइएगा, थोड़ा सा पानी भी डालें इसमें और देखिए किस तरीके से इससे तेल अलग होना शुरू हो गया है। अब थोड़े से लंबे कटे हुए अदरक के जूलियंस इसमें डालें और धीमी आँच पर इसे पका लें। तो ये मसाला बहुत ही शानदार दानेदार बनकर तैयार हुआ है। जब बिल्कुल ऐसा मसाला हो जाए तब ये उबले हुए छोले इसमें डालें और अच्छे से मिक्स दे दें। तो बहुत ही शानदार सरल सी रेसिपी है, घर में जब भी पूजा हो या फिर पितृपक्ष में बनाना हो, किसी भी त्यौहार पे अगर आप लहसुन प्याज के बिना छोले बनाना चाहते हैं तो इस रेसिपी को ट्राई करना, आप बार बार ऐसे छोले बनाना पसंद करेंगे। तो यहाँ पर ये जो छोले हैं मैं पूरी के साथ बना रही हूँ, इसलिए इसकी ग्रेवी मुझे बिल्कुल ऐसी चाहिए जैसे आप देख रहे हैं। अगर आप इन्हें चावल के साथ खाना चाहते हैं तो पानी की मात्रा आप अपने पसंद के हिसाब से इसमें ऐड कर लीजिएगा। तो यहाँ पर ढक्कन लगाकर पकाया है मैंने इन्हें, तब तक जब तक कि इसे थोड़ा सा तेल अलग ना हो जाए, और बस मिलाया अच्छे से। तो मुझे तो एकदम कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट लग रही है इनकी। तो अगर आपको चावल के साथ बनाने हैं या फिर थोड़े रनी छोले आपको पसंद है, तो पानी की मात्रा यहाँ पर आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। जब छोले के ऊपर थोड़ा सा तेल तेल दिखे आपको, तब आप इसमें डालें ढेर सारा हरा धनिया और कुछ लंबी कटी हरी मिर्चें। एकदम टैंगी टेस्टी चटपटे छोले बिल्कुल हलवा स्टाइल बनाने के लिए यहाँ पर इस प्रकार से हरी मिर्ची जरूर डालिएगा। और इस रेसिपी में काले नमक का इस्तेमाल भी जरूर करना है, तभी स्वाद हलवाई जैसा आएगा हमारे छोलों का। तो बस यहाँ पर अच्छे से मिक्स किया मैंने, कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है। अगर आप चाहते हो थोड़ा सा इन्हें और पका सकते हैं, लेकिन बस मैं यहाँ पर ही गैस की फ्लेम कर दूंगी बंद। हमारे टेस्टी से छोले बनकर तैयार है, जिन्हें बनाने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता।
और खाने में बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो आप अपने घर में एक बार मेरे तरीके से छोले की रेसिपी ट्राई करना, आपको पसंद आएगी। और अगर आपको रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कॉमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।